खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, जम के मेहनत करें, आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर इस दिन आपको मिलने वाले हैं। आपको मित्रों की माँ की ननिहाल की मदद भी मिल सकती है, उनसे उत्साह मिलेगा आपको। बस एक सावधानी रखिएगा, जिन लोगों को रक्त या हृदय संबंधी व्याधियां रहती हैं वो चिकित्सीय सलाह माने। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम रुद्राय नमः का जप करें और माँ अम्बे को आप एक पीला पुष्प भेंट करके फिर अपने काम पर जुटें। वृषभ राशि, दिन थोड़ा सा कमजोर है ये, इस दिन आपको कुछ परेशानियां महसूस होंगी, पेट में या कमर में भी दिक्कत आपके महसूस हो सकती है, मन थोड़ा उदास और थका थका सा भी रहेगा। लेकिन एक सावधानी, इस दिन आप किसी पर क्रोध ना करें, ध्यान से मेरी बात को समझें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, माँ सरस्वती की उपासना करके फिर अपने काम पर जुटें। मिथुन राशि, कुछ बाधाएं तो जरूर हैं लेकिन उसके बाद दिन आपके लिए अनुकूल होता चला जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। बस एक छोटी सी सावधानी आपको बता रहा हूँ, वो आप जरूर रखिएगा, वो ये है कि बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करें। किसी से कोई महत्वपूर्ण बात करनी है या कहीं लोगों के साथ बैठ के कुछ बात कहनी है तो कई बार सोचने के बाद कहें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन गौ माता की सेवा कीजिए फिर काम पर जुटिए, इससे आपको आर्थिक कष्ट भी बचेगा। कर्क राशि, दिन थोड़ी बाधाएं लेकर आ रहा है, आलस्य रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत संभल कर अपना दिन गुजारिएगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन आलस्य मत कीजिएगा अन्यथा नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, अचानक कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, लेकिन इस दिन आपको क्रोध से बचना होगा अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। छोटी सी सावधानी जरूर बरतें, इस दिन बदले की भावना से या ईर्ष्या या गुस्से की भावना से कोई कार्य नहीं करिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की अथवा अर्थ की धन की हानि भी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, छोटा सा उपाय करिएगा, थोड़ी देर सूर्य के सामने बैठ के गायत्री मंत्र का पाठ करके मन को शांत करके जल पीकर फिर काम पर जुटिएगा। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर है, कुछ करके अच्छा दिखाना चाहते हैं तो इस दिन दिखा सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, मित्रता के लिए भी दिन थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला धन के निवेश संबंधी मत लीजिएगा, इस दिन निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। एक छोटा सा उपाय कर लें, इस दिन आप कच्ची सब्जियों का दाना 8 वर्ष से छोटी कन्या को कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन रिश्तों के लिए कमजोर है, खासतौर से जो लोग प्रेम संबंध में हैं या जिनका अभी विवाह हुआ है उन्हें बहुत समझदारी से यह दिन गुजारना पड़ेगा अन्यथा कोई समस्या हो सकती है। वैसे प्रभु जी सब ठीक करेंगे, उपाय बताऊंगा, बस एक छोटी सी सावधानी रख लीजिएगा, पेट और कमर का ख्याल रखिएगा और एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा, इस दिन बेसन की मिठाई का दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए समय अच्छा है, भाग्य में बाधाओं के बाद काम करने का योग बन रहा है, इसलिए आप जम के अपने काम पर जुटे, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करें, लाभ हो जाएगा। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन जिन लोगों को कमर में या हड्डियों में दिक्कत रहती है वो विशेष ध्यान रखें और कीमती सामान अपना सहेज के रखें, बचा कर रखें। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम हनुमते नमः का जप करें फिर काम पर जुटे। धनुराशि, यह दिन जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का नहीं है, उससे आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस दिन किसी से तर्क वितर्क होने से भी आपको नुकसान हो सकता है, वाद विवाद में उलझने से बचना होगा। लेकिन एक छोटी सी सावधानी तो जरूर आपको बरतनी है, ये दिन धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है, धन संबंधी निर्णय आपके आपको नुकसान दे सकते हैं, बच के चले। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन गुरु सानिध्य में रहें, गुरु नहीं है तो शिक्षक के सानिध्य में रहें या फिर गाय माता को गुड़ खिला दीजिएगा फिर अपने काम पर जुटिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं, किसी खास व्यक्ति के माध्यम से आपका
काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण करें। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है और माता पिता की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, कुत्तों की सेवा कीजिए, अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठंडी और खट्टी चीजों का परहेज रखिएगा। एक छोटी सी सावधानी, धन के मामले में बहुत सोच समझ के चलिएगा, आंख मूंद कर किसी की बात पर विश्वास नहीं कीजिएगा, हस्ताक्षर कहीं भी मत कर दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, दूध का दान अवश्य करें। मीन राशि, ये समय आपके लिए उपयुक्त है, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस जल्दबाजी में किसी के लिए कुछ कह मत दीजिएगा, नहीं तो आगे जाकर आप पर भारी पड़ेगा। सावधानी क्या रखनी है इस दिन, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खास तौर से जिन लोगों को सांस की या लिवर की दिक्कत रहती है विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिएगा और चावल का दान कीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे।